बैक तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैक में और ये है जबले उमर पर मौजूद नया मॉल वहाँ पर और यहाँ पर रश देखें आप ये है नमाज ईशा के बाद का रश और लोग देखें आप कितने यहाँ पर और ये बैरियर्स लगे हुए हैं दीज आर द बैरियर्स और मैं खा के देखूँ अपडेट होता है कैसे मेरा है काउंटर नंबर मेरा नंबर नहीं आ गया तो ये मेरा ऑर्डर था 10 पीसेस ऑफ चिकन नगेट 13 रियाल 7 अप मैंने साथ में ड्रिंक लिए 3 रियाल और जो कॉकटेल सॉस है गार्लिक सॉस है और नगेट सॉस है इसका 3 रियाल तो मेरे लिए कोई 16-17 हो गए 13-3-19 रियाल का ये मेरा डील बना है अब देखते हैं कैसा होता है तो जनाब सीन कुछ ऐसा है ये है अलबैक 10 पीसेस ऑफ नगेट लेट मी शो यू दिस यस ये है जिसके बारे में इतना शोर शराबा होता है सऊदी ये है वो नगेट फिर अंगूठे के साइज से उसको कंपेयर कर सकते हैं हम और मेरे साथ में एक्स्ट्रा लिए हैं ये केचप गार्लिक सॉस और कॉकटेल सॉस और ये टिश्यू और ये पानी और ये मम्मी के लिए और मम्मी ये बैठी हुई अम्मी चुप हो गई है अब मैं इसको खाऊंगा और खाने के बाद पता चलेगा कि कैसा है तो जनाब केचप खोल लो मैं केचप ये खाना नहीं वाला अच्छा है ये गार्लिक सॉस और ये कॉकटेल सॉस सॉस है तीन अलग अलग सॉस और ये है अलबैक इसको मैंने तोड़ा ऊपर तो प्लस कोई ब्रोस जैसा है तो अंदर ये देखें मसाला लगा हुआ है सुनने में ये आया है कि इसका जो मसाला बनाने वाले वो इंडियन है और अलबैक की कॉपी सऊदीया में आपको बहुत मिलेंगी उसकी जैसे तस्वीरें मगर जो ओरिजिनल अलबैक है वो आपको पहचानने में आ जाएगा उसकी मशहूरी बहुत होती है तो मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ विद केचप फर्स्ट मुझे क्या अलग ही डर दे रहा है ये मसाला है ना ये देखे अंदर ये ऑरेंज बहुत अलग टेस्ट दे रहा है खाओ कैसे कैसे अलग है ना बहुत बढ़िया और साथ ही बन भी दिया लिटरली 19 रियाल में डील बुरी नहीं है पाकिस्तान में भी इतने प्राइस में मिलेगा तो अगर आप सऊदी आएँ तो अलबैक ज़रूर खाइएगा अस्सलाम वालेकुम और हाँ रेटिंग में इसको मैं 8 out of 10 आराम से दे दूँगा मिलते हैं अगले एपिसोड में भाई चलो बंद तस्वीर मिल गया क्या बोले थे आप कबले शरारती शरारती वीडियो बन रही है और चीज़ें खाता है अब मेरी भी घिसकता है ज़्यादा लेकिन